गजब भाई गजब। ओ गिर गया भाई गिर गया। गजब साउंड है, गजब साउंड है। ये कौन सी भाई है पता ही नहीं। हे गाइस चलते हैं अपने नई ब्लॉग की तरफ। भाई पहले मैं बता दूं कि अपनी वीडियो कम आती है, हमको टाइम ही संडे में मिलता है, संडे को ही ब्लॉग शूट कर पाते हैं और कुछ क्या ही बताएं भाई। तो गाइस देख सकते हैं आप टाइम है सुबह संडे मॉर्निंग का और कर रहे हैं ब्लॉग शूट। आगे है पूरा पूरा लगभग अंधेरा। तो गाइस बज रहे हैं सुबह के 5। इसमें रहने वाला है काफ़ी सारे स्पोर्ट्स बाइक्स राइडर्स, बहुत सारी कम्युनिटी, सब आके मिलते हैं हम आपस में और वहाँ दिखाते हैं क्या होने वाला है। तुम्हारे भाई ने एक्स्ट्रा लाइट, अपना GoPro, एक्स्ट्रा बैटरी, बस बाइक में थोड़ा पेट्रोल ही नहीं है। जहाँ पे दिखेगा कोई पेट्रोल पंप वहीं पेट्रोल डलवा लेंगे भाई। और ये है हरियाणा रोडवेज, इससे भगवान ही बचाए क्योंकि कभी भी कहीं भी मोड़ देते मेरे भाई। पेट्रोल भाई साहब भाई साहब भाई साहब, सुबह के बजे 5 ये लड़की निकल गई स्कूटी पे, देख सकते हो आप, देख सकते हो। तो भाई राइड्स ऐसे भी होती हैं, सुबह सुबह 5 बजे लड़की निकल गई है अपने एक बेकार सी स्कूटी लेके। क्यों बेकार सी बोल रहा हूँ मैं इसको, ये बिजली वाली यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी है और इसका कब नहीं पता कहाँ क्या ख़त्म हो जाए, कब क्या हो जाए, मतलब बिल्ड के मामले में भी घटिया है। सुबह सुबह भरे अंधेरे में 5 बजे लड़की स्कूटी लेके निकल गई है, तो आप देख सकते हो कितना डेयरिंग है। आप समझ सकते हो कि भैया की अच्छी अच्छी हैबिट है, ठीक है ना। लोग 2-2 बजे तक सो के नहीं उठते हैं यहाँ पर, ये सुबह 5 बजे जा रही है राइड पर और हम थोड़ा सा इसको कवर कर रहे हैं ताकि इसको एक्स्ट्रा लाइट्स मिल सके आगे तक के सफ़र के लिए, एक्स्ट्रा लाइट्स मिल सके तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब हमारा रोड सीधा है तो भाई हम निकल। तो गाई ये स्टार्टअप हो गया है ब्लॉक का, यहाँ खड़े हो भाई महंगे महंगे बाइक देख लो। यहाँ पर भाई ने एक ने जो 10 RV रखी है भी देख लो भाई, मस्त लग रही है, ठीक है। और भाई यहाँ देखो बाइक ही बाइकें खड़ी हैं, और भाई साहब R15 खड़ी है यहाँ पे, यहाँ पर भाई भाई खड़े हैं। बाइक देखो भाई चेक करो, बहुत सारे भाई यहाँ पे आ रखे हैं, ठीक है भाई। सबका यूट्यूब चैनल पर आएगा भाई, बेनेली 600 यहाँ पे खड़ी है, चेक करो भाई। भाई आपको साउंड चेक कराएगा, साउंड चेक कराएगा भाई, साउंड चेक करो भाई का, गजब भाई गजब, एक नंबर ये एक नंबर साउंड आ रहा भाई, एक नंबर साउंड आ रहा भाई का। भाई देखो ये बच्चा ना ब्लाइंड है और इस बच्चे की इच्छा पूरी की जा रही है, वो सुपर बाइक का साउंड सुनना चाहता है तो उसको सुपर बाइक का साउंड सुनाया जा रहा है। मस्त भाई का जब ये भाई देखो भाई बेनेली 600 वो बाइक बंद कर दी बच्चे ने अंदाजे से। भाई देखो कितना, मतलब उसको दिख नहीं रहा ढंग से लेकिन उसकी प्रॉपर उस पे चीजें जा रही हैं। तो भाई सब कुछ बढ़िया है, आ जा आ जा कर रखी एक लीजिए रखी है। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा बेटा ये रहा ये रहा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं ठीक है देखिए। अच्छा स्टार्ट करना इसको बेटा, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे दबाओ। ओ तो भाई छोटा सा बच्चा है, इसको ढंग से दिखता नहीं है पर फिर भी भाई इस भाई को रैप करना रैप, हाँ कर लो करना। बच्चे की खुशी के लिए यहाँ पे मजा आया बेटा, मजा आया। ओके आपसे मिलके अच्छा लगा। वो दिखाते हैं जितने बाइक से यहाँ पे सारे कवर कराते हैं, सारे सब कुछ दिखाते हैं आपको भाई, चेक करो भाई फिर बैने लेके आपको बैप। ओ भाई 3 बैने ले आ गए यहाँ पे भाई, KTM KTM आ गई है भाई, 390 KTM है भाई ये, बढ़िया बाइक की लुक, बढ़िया बाइक की बढ़िया लग रही है एकदम, तो मस्त थकास जिसे बोलते हैं।
राइडिंग के लायक ब्लैक बीस्ट। ठीक है भाई, गजब लग रही है भाई, गजब। अरे भाई लोग अपने साथ, एक नंबर भाई, एक नंबर, एक नंबर भाई, मजा आ गया, मजा आ गया ना भाई। भाई दोनों बंदे एक जैसे, दोनों भाई एक जैसे, कमाल है भाई, गजब। ये CBR आ रही है भाई 250 आई थिंक। तो भाई हम सब बाइकों के ना आपको नाम बता रहे हैं, ताकि आपको बाइक लेनी हो कुछ तो आपको समझ में आए क्या ही लेना है क्या ही नहीं लेना, सब कुछ कवर कर सको आप। ठीक है भाई, तो भाई ये खड़ी है KTM 390, फिर KTM 390 अगेन, वो आपकी स्पोर्ट सीरीज है, ये नेकेड सीरीज है, ये आपके बीच में खड़ी है बैनेले 600i, जिसका एक बच्चे ने चलाया था अभी, एग्जॉस्ट चला के आपको एक्सेलेशन दे के दिखाया था कि क्या साउंड है इस बाइक का। और यहाँ पे भाई बहुत सी बाइक्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कवर करने की। अब मैं भाइयों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये भाई अपनी Z900 आती हुई, फिर एक Z900, बैक टू बैक दो Z900, और दोनों लगी हैं ट्रैक पे। अपने आपको भगाएंगे अभी, ये भगाएंगे अपने आपको। तो भाई ओ भाई, ओ भाई बिल्कुल लाउड, गजब भाई, गजब गजब भाई, गजब, मजा आ गया भाई। यहाँ पे भाई कावासाकी खड़ी है अपनी, ठीक है, निंजा 400, यहाँ पे Z10R भाई देख सकते हो, तो गजब लग रही है भाई। सारी बाइक खड़ी यहाँ पे, बहुत सारी बाइक खड़ी यहाँ पे। फिर अपनी RR 310 भी आ गई एक भाई के पास, आज मस्त लग रही है, मस्त, गजब गजब बेचती है भाई, गजब लग रही है बाइक। ठीक है भाई, वहाँ पे भाई जो लोग आप यूट्यूब पे देखते हो भाई, वो बनी फेस, तो भाई का बनी फेस है। दो Z10R लगी हुई है यहाँ पे, ओ सॉरी Z900 लगी हुई है, अच्छी लग रही है लुक में, गजब लग रही है भाई, क्या ही बताऊँ, मस्त लग रही है। एक राउंड और मारते हैं के आसपास से, भाई का बनी फेस अच्छा लग रहा है, ब्लैक कलर में मस्त है, ओ भाई मज़ा आ रहा है रिकॉर्ड करने में। तो भाई वहाँ खड़े अपने भाई लोग, वहीं जाके रुकते हैं अब। ठीक है, ओ भाई साउंड चेक करो भाई, बैनेली का, फिर भाई बैनेली का ही साउंड अच्छा आता है, मतलब बैनेली का जिस बजट में साउंड आता है ना, कोई बाइक दे ही नहीं सकती, कोई ब्रांड नहीं दे सकता बैनेली का जिस बजट में साउंड आता है। ठीक है भाई, अब वहाँ पे ना भाई वो हाँ दे ले भाई, दे ले, भाई सब टोटल दे दे के देख रहे हैं, सबको साउंड पसंद है। अभी यहाँ पे एक है अपनी Z900, तो भाई वो बच्चा फिर आ गया, और बच्चा इस पर रेप करना चाह रहा है। तो भाई ये कौन सी है पता नहीं, ये शायद Z600 है, और ये अपने राइडर है भाई। तो भाई साउंड चेक करो, गजब साउंड, गजब गजब, भाई कावासाकी Z6 आ रहा है शायद ना, कौन सी बाइक है भाई ये अपनी Z6 आ रहा है, जिंजा 650 भाई, ये देख लो यहाँ पे लिखा भी हुआ है जिंजा 650, और भाई गजब है, गजब भाई गजब है, अच्छी लग रही है भाई 650cc जिंजा 650, गजब लग रही है भाई, लुक में बीस्ट लग रही है ये पूरी की पूरी। ठीक है भाई, और भाई बहने लिया भाई, फिर भगाता हुआ यहाँ से, फिर लेके चला गया भगाता हुआ। ठीक है, हम अपने भाइयों के पास जा रहे हैं भाई, अपने को नहीं आती शर्म, हम करेंगे पूरा कवर। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो शर्म करी तो भाई राइडर कब बनेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सो दैट, नहीं नहीं यार, ओ गजब, गिरते गिरते गिर गया भाई। तो भाई बच्चा सबकी बाइकों पर रेप कर करके देख रहा है, और सब उसकी इच्छाएं पूरी भी कर रहे हैं, और वो डिजर्व भी करता है यार, वो कुछ स्पेशल है, वो डिजर्व करता है भाई। यहाँ पर आगे एक बहुत प्यारी बाइक अपनी, भाई बाइक नहीं है, पूरा का पूरा घर है, शायद आपने पहले भी देखी है, बाइक नहीं है, पूरा का पूरा घर है। वो भाई इसमें AC भी लगा था, पता है इसमें AC भी लगा हुआ है भाई, बाइक है पूरी गजब, सारे भाई खिंचवा रहे हैं फोटो उसके साथ, सारे भाई फोटो खींचना चाह रहे हैं, और भाई खींचे भी क्यों ना भाई, सब भैया की बाइक बहुत गजब लग रही है देखने में। ठीक है, भैया की बाइक लग रही है भाई पूरी गजब, पूरी बीस्ट, आई थिंक मैं GoPro में भी कैप्चर कर पा रहा हूँ, पूरी बाइक बीस्ट लग रही है भाई, सभी इसके फोटो खींच रहे हैं, एक और सरदार जी आ गए, गजब भाई गजब, गजब लग रही है सरदार जी की बाइक भी, भाई इसकी भी फोटो खींच लेते हैं, एक थंबनेल में जो अच्छा लगे वो लगाएंगे।
एग्रेसिव बाइक बहुत मस्त लग रही है भाई। होंडा की बाइक है, होंडा की कुछ बाइक्स आती हैं गिनी चुनी, बाइक गजब ही लगती हैं। लुक देख सकते हो आप यहाँ से, गजब है, गजब लुक है, गजब लुक, गजब जिसे बोलते हैं मेरे भाई, मज़ा आ गया देख के। ठीक है, इतना बड़ा कैरिंग बैग है, हेडलाइट्स हैं, इतना बड़ा इंजन है, डिस्क ब्रेक्स हैं भाई, क्या ही बताऊँ इस बाइक के बारे में। बाइक नहीं चलती फिरता, पूरा का पूरा घर है ये भाई। सबके में कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, सबके में मस्त साउंड आता है, गजब ही बाइक बना रखे सबने। गजब भाई, गजब भाई, ये देखो गजब। ठीक है, गजब भाई, गजब एक नंबर। ठीक है, हम करेंगे पूरा का पूरा कवर। ओ भाई गजब, वन मोर टाइम, गजब था भाई, गजब था, बिल्कुल गजब था भाई। ने हमारे कहने पे कई बार उठा दी बाइक, अब हो गया बहुत, बस हो गया भाई, अपंग नहीं ले ले। देखो भाई सुपर बाइक सारी, वो बेटे मतलब 2000 में भी यहाँ से और निकले हैं। ओ भाई ये जा रही है अपनी जेड 10 R R15, जैसे कि आप देख सकते हो, जा रही है भाई गजब ही, दुनिया भाई दुनिया काबली है, जेड 900 की दुनिया दीवानी है भाई। देखो इसे कहते हैं जेड 900, द बीस्ट, अल्टीमेट बीस्ट भाई। जेड 900 गजब भाई है, गजब जिसे बोलते हैं गजब, जेड 900 एकदम बीस्ट है। अपने GoPro की कर लिए बैटरी चेंज भाई, फुल पावर कर वापस आ गया है। एक बैटरी तो एक मोटर ब्लॉगर की जान है, और बैटरी आ गई है इसके अंदर, अब पूरी पावर कर आ गए वापस। ठीक है भाई, ओ भाई साहब, लोग गजब गजब भगा रहे हैं यहाँ पे। कुल मिला के भाई यहाँ पे क्या कहते हैं 20-30% ही 1000 cc या 800 cc से ऊपर की बाइक है, बाकी नॉर्मल बाइक्स हैं, KTM वगैरह 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 वगैरह, क्योंकि भाई तक सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे हम खड़े हैं तो सब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ग्रुप बन रहे हैं, टूट रहे हैं ग्रुप्स, अच्छा लग रहा है। कुछ समय बाद ना, कुछ समय बाद भाई बंदे कुछ कुछ अचीव कर लेंगे, फिर यहाँ ही आने का कोई फ़ायदा मतलब है नहीं। फिर मतलब लोगों को अपना वे मिल जाएगा, किस वे में बंदे को आगे जाना है। सो बस वही होता है स्टार्टअप में, जब कुछ नहीं पता होता तो फिर यही बहुत कुछ होता है। ठीक है भाई, भाई KTM लेके आया, शायद उठाएगा ये नहीं, उठाते रह गया, नकली काम हो गया भाई के साथ। ये भाई ये खड़ी CBR 1000, आपने CBR 250 देखी है, लेकिन यहाँ पे खड़ी है CBR 1000, दो दो जेड 900 खड़ी है भाई यहाँ पे। भाई ये खड़ी है अपनी जेड 900, और उधर वाली भी जेड 900 ही है, लेकिन दोनों का मॉडल का फर्क है। आई थिंक वो खड़ी है 2023 मॉडल, ये खड़ी है 2021 या 22 मॉडल। भाई दोनों जेड 900, दोनों गजब है, दोनों के साउंड गजब है। 10-11 लाख के अंदर इससे बढ़िया मशीन कोई आती नहीं है भाई। बीस्ट है ये, बीस्ट ये लगा, अल्टीमेट बीस्ट। एग्जॉस्ट भाई है कि, और भाई का होंडा की CBR अगेन भाई, होंडा CBR अगेन, वाइट कलर में होंडा CBR। ठीक है, तो भाई अब क्या ही दिखाएं भाई, कुछ बचा नहीं है। अगेन CBR 1000 जो वहाँ पे भाई, तीन यहाँ पे CBR है जो 1000 CBR यहाँ पे तीन है। ठीक है मेरे भाई, तीन 1000 CBR है यहाँ पे, गजब है भाई, गजब लुक है, गजब। होंडा की तरफ से आती है भाई की, इस बाइक के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि भाई ये ना बिल्कुल मतलब रिफाइनरी इंजन है। होंडा का इंजन जो है ना बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, होंडा का इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे खड़ी है भाई अपनी दो दो CBR 1000, बीच में खड़ी है एक निंजा 650, आगे जाते हैं तो एक मर्सिडीज भी खड़ी है भाई, और ये भाई को स्टंट मारने की कोशिश कर रहे हैं, लग ही जाएंगे एक दो दिन में तो। ठीक है, फिर अगेन आ जाती है भाई दो दो जेड 900 भाई, ढंग से देख लो, दो दो जेड 900 गजब लग रही है। एक 2023 मॉडल है, एक 2022 या 21 मॉडल है, गजब लग रही है भाई। जिन भी भाइयों की है, ये राइडर्स हैं, ये शायद ब्लॉगिंग भी करते हो, ठीक है भाई। KTM भाई की KTM देख लो भाई, गजब स्टंट मारता है, गजब बंदा है पूरे यहाँ पे ना, इससे ज़्यादा कोई स्टंट नहीं मार रहा है भाई, पूरा रिक्स ले रहा है, सारे काम कर रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। एक वो था जो स्टंट मारे जाते हैं, ये KTM से अच्छा मुझे लगता है किसी बाइक पे मारे जाते हो। बैलेंसिंग अच्छी है, हल्की है, पावर ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास RR 310 है, लेकिन इसके अंदर ना ये हैवी है, उस हिसाब से पावर नहीं है, हैवी होने के कारण ना
बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। नए वाले मॉडल में ज्यादा पावर है, फिर भी बहुत हैवी सी लगती है। मतलब हिसाब से एक सुपर बाइक जितना वेट लगता है, लेकिन पावर तो है ही नहीं। ओ गिर गया भाई, गिर गया। उठाओ भाई, उठाओ। ये शोकर नीचे करा ले ना, बीच वाला। चलो भाई, भाई गिर गया अभी, अपने स्टंटमैन गिर गए। स्टंट मारते हुए तो नहीं गिरे, गिरे तो खड़े होके गिर गए, क्योंकि बाइक की थोड़ी सी हाइट ना, थोड़ी लिटिल हाइट बाइक की कम है, और बाइक गजब राइडर है। भाई का कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है, भाई शुरू करने वाला अभी, तो भाई को सपोर्ट करना इसको भी, जब भी अपना चैनल बनाए तो उसको भी सपोर्ट करना, ठीक है भाई। भाई इसकी मेमोरी फुल होने वाली है, तब ये कर रहा है हरकतें। भाई ये बाइक देख लो भाई, यहाँ पे R15 वगैरह वगैरह बाइक है, गजब साउंड है, ये कौन सी भाई है पता ही नहीं। भाई ये भाई की Z900 है, वो Z10R है भाई, ये पुराना वाला मॉडल है, ठीक है, गजब है भाई ये भी। तो फैन इन्होंने मांगी हमसे बाइक की चाबी, और ये देखना चाहते हैं बाइक कैसे स्टार्ट होती है, कैसे चलती है। गजब भाई, गजब 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 भाई, भाई स्टार्ट ही नहीं हो रही है, यहाँ पे चाबी नहीं लग रही है। गाइस लगी भाई, लगी चाबी, और भाई स्टार्ट करके देखेगा कि कैसी रहती है, क्या चलता है। भाई अपनी बाइक का भी साउंड कम नहीं है, हाँ Z900 इतना नहीं है, लेकिन भाई गजब है, गजब साउंड है इसका भी। ओह पटाखे फूटते भाई ये, कभी कभी पटाखे इसमें से फायर निकलती है, इसमें से प्यार निकलती है। ओ भाई गजब भाई, अभी क्या करेगा, उठा के ना देखे बस ये, बाकी सब चलेगा। ओ गिरे ना भाई बस, ठीक है भाई, गजब। हम भी अपनी बाइक लेके जाएंगे भगाते हुए, हम जाएंगे रॉन्ग साइड ही, रॉन्ग साइड जाने की जरूरत नहीं है, हम राइट साइड भी जा सकते हैं। तो भाई ओहो बहुत लाउड है भाई, अपनी बाइक भी नो डाउट बहुत लाउड है। चलो भाई चलते हैं भाई अपने घर की तरफ।